नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शेफ मनोज दफन, हिल साइड रिजॉर्ट भीमताल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज है 4 अगस्त, आज है फ्रेंडशिप डे। तो हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किचन से ही मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए, अभी ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मैं बनाने जा रहा हूं मोमोज। साथ में हमारा हाईटी काउंटर रहेगा और बाकी आला कार्ड जो ऑर्डर चलेंगे वो अलग रहेगा। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके सामने पूरा ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने स्टफिंग पहले से बना के रखी हुई थी और अभी मैं जो है मोमोज स्टफ कर रहा हूँ। कभी 10-12 मोमोज में बना चुका हूँ, ज़्यादा मोमोज में बनाऊंगा नहीं, कम से कम 20 से 25 मोमोज ही मैं जो है बनाऊंगा। हम बढ़िया तरीके से इसको स्टफ करूंगा, स्टीम करूंगा और फिर जो है गेस्टों को जो है मोमोज खिलाए जाएंगे। और बहुत ही मेहनत लगती थी दोस्तों मोमोज बनाने में। और ये मोमोज मैं बनाया करता था आज से 3 साल पहले अपने ठेले पे, जब मैंने अपने फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। और उस टाइम पे मैं सर्विस में जॉब किया करता था, ना कि किचन में। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था किचन का, बट खाना बनाने का शौक मुझे बचपन से ही रहा, सीखने का शौक रहा। तो मैंने सीखा और मोमोज बनाए, चाउमीन बनाना सीखा, सूप बनाना सीखा और अपना फास्ट फूड का बिजनेस मैंने ओपन किया। काफ़ी अच्छा बिजनेस मेरा चला, बट सेकेंड लॉकडाउन के बाद से मैंने अपना बिजनेस क्लोज किया क्योंकि मैंने उतना अच्छे से काम सीखा नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर मैं किचन में आया कि चलिए बिना सीखे जब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो काम सीख लेता हूँ और उसके बाद से अच्छा रिस्पांस आएगा। इन फ्यूचर अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं अपना छोटा सा रेस्टोरेंट पक्का ओपन करूंगा और प्यारी प्यारी रेसिपीज और ब्लॉग आप सबके सामने मैं शेयर करूंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा दोस्तों, आज मोमो बना के मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कहाँ मैं सुबह उठ के 5 बजे उठ के कटिंग करता, उसके बाद मोमोज बनाता, फिर मैं सेल आउट करने के लिए रोड किनारे खड़ा होता। तो बहुत अच्छा है दोस्तों, हर एक दिन जो है, हर एक पल बहुत अच्छा है, मोमेंट अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। उस टाइम पर मैं सर्विस में था, देख देख के चीज़ें बनाना सीख गया। अब तो मैं प्रैक्टिकली किचन में काम करके सीख रहा हूँ। अभी मैंने उतना काम नहीं सीखा हुआ, बट फिर भी जितना मैंने काम सीखा हुआ उतना मैं आप सबके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी मैं ये चीज़ें काम सीखता रहूँगा, रेसिपी शेयर करता रहूँगा। चलिए थोड़ा सा मुँह मीठा कर लीजिए, पी लीजिए थोड़ी सी मॉकटेल, फिर थोड़ा सा व्यू आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कमाल का व्यू है, ये है हमारा कोर्टयार्ड का एरिया भीमताल में, द फन हिल साइड रिजॉर्ट भीमताल, दिल बनाया हुआ है। यहाँ आके बढ़िया से फोटो खींचिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, और सोशल मीडिया में शेयर करिए। फिर देखिए पहाड़ का कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, आसमान से बादल जो है धरती को चूम रहे हैं क्योंकि चौमास का महीना है, यानी कि बारिश का टाइम है। तो दोस्तों फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन करने के लिए तैयारी हो चुकी है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। वाह, इसको बना दो एकदम बढ़िया वाला। तो ये है हमारा कोर्टयार्ड का एरिया और सब लोग लगे हुए हैं इसको सेटअप करने में। दीपक सर को देखिए क्या स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट तो है वैसे। और होटल में इनको बोला जाता है होटल के भरत, लेकिन हम इनको प्यार से बोलते हैं जॉन अब्राहम। ये हमारे फन के जॉन अब्राहम हैं और सामने हमारे राहुल जी जो भाभी जी को वीडियो कॉल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आज देखो क्या है। तो आज बढ़िया सा मॉकटेल काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है। वाओ, क्या सॉलिड लगा हुआ है, पेप्सी, कोको कोला। और किशोर क्या कर रहा है किशोर, और दीपक जी देखिए क्या जबरदस्त तरीके से गुब्बारा फुला के इसको लगा रहे हैं। और नितिन जी हमारे हाईटी काउंटर में रेडी हो गए और हमेशा से मैं इस काउंटर पर रहा हूँ, बट आज नितिन इस काउंटर में रहेगा। वाह, ये देखो, वाह, बहुत जबरदस्त तरीके से किशोर, वेरी गुड। आज मेरा बर्थडे भी है सिगरेट वाला, ये हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो दोस्तों पूरा होटल का भार इसके सर में है, यानी कि इसके हाथ में है, ये देखो। और सामने भानु सर से बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें लिखा हुआ है फ्रेंडशिप डे। तो भानु सर की पेंटिंग बहुत अच्छी है और आज वो ऑफ में है, उनको कुछ काम पड़ गया इमरजेंसी, इसलिए आज छुट्टी में है। आप सबके बीच में वो नहीं आ पाएंगे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर आएंगे, उनकी मेहनत को सराहना है ढेर सारी। तो दोस्तों फाइनली सेटअप की तैयारी हो चुकी है, हाईटी काउंटर में लगा चुका हूँ और आप देखते हैं जाते किचन में मोमोज मेरे कैसे बन गए। उस टाइम पर हाफ बन गए हुए थे। Hey।
दोस्तों चलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो 5 जून को हमने पेड़ लगाए हुए थे वो कितने बड़े हो गए और कैसे हो गए। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उस जगह पर जिस जगह पर हमने पेड़ लगाए हुए थे। तो दोस्तों वो है ये जगह जहाँ पर हम सब ने पूरी टीम ने फन की टीम ने पेड़ लगाए हुए थे। देखो कितना बढ़िया पूरा ग्रीनरी हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, चौमास पहाड़ी भाषा में कहते हैं। तो ये हमने पेड़ लगाए हुए थे, ये कुछ भिंडी के पेड़ हो रहे हैं और ये देखो छोटी सी भिंडी भी इसमें लगी हुई है। ये छोटा सा अपना ऑर्गेनिक गार्डन हो गया और इसी में हमने जो है पेड़ लगा के रखे हुए थे। और पेड़ कहाँ गए, ये देखो दोस्तों ये है पेड़। एक पेड़ ये है जो काफ़ी वेल कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। और एक पेड़ ये है, दूसरा पेड़ ये है दोस्तों, इसी में हमने पेड़ लगा के रखे हुए हैं। कुछ बीन्स हैं और थोड़े बहुत फ्लावर्स भी हैं इसी में। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीनरी है ना, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन लग रहा है क्योंकि अभी मौसम ही ग्रीनरी का है। और बीन भी हो रहे हैं हमारे, आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटा सा हमारा ऑर्गेनिक गार्डन है और इसमें हो रहे हैं बीन्स। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे बीन्स। फाइनली दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सॉरी इससे आगे की एक्टिविटी मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंदर आला काट के ऑर्डर आ चुके हैं और मेरे डिपार्टमेंट से ही ऑर्डर है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, ऑर्डर अपना पिकअप करवाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। खुश रहना, खुशियाँ बांटना, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।